हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका फोर एक्स फोर अनबॉक्स में। सो फ्रेंड, माइक्रोमैक्स की तरफ से और एक नया स्मार्टफोन देखने मिलने वाला है, जो बताया जा रहा है कि माइक्रोमैक्स इन वन का सक्सेसर होगा, जिसकी स्पेसिफिकेशन सब कुछ लीक्स हो चुकी है, तो सब बताओगे इसके बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ़ोन का नाम है माइक्रोमैक्स इन टू। तो पहले इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखें तो ये अंडर 10,000 या 12,000 के करीब आ सकता है, इसके अंदर ही देखने मिल सकता है फ़ोन। तो फ़ोन की बात करते हैं स्क्रीन की तरफ से, तो स्क्रीन के अंदर आपको 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। ऐसे बैक की बात करें तो जिसमें आपको पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल देखने मिलेगा, जिसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा और माइक्रोमैक्स की ब्रांडिंग होगी। तो बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, जिसमें बताया जा रहा है कि मीडियाटेक का हीलियो G88 एसोसिएट वाला प्रोसेसर होने वाला है, जो एक एवरेज प्रोसेसर है, और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर रन करने वाला है। तो इसके रैम और स्टोरेज की बात करते हैं, जिसके अंदर आपको 4GB और 64GB वेरिएंट देखने मिल जाएगा। दूसरे अभी कुछ लीक्स नहीं आई है। अब बात करें इसके कैमरे की, जिसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिलेगा, जो 48MP का मेन कैमरा, 2MP का माइक्रो कैमरा, 2MP डेप्थ कैमरा। तो ये एक पॉइंट है जो फ़ोन का डाउनग्रेड में डाल सकता है, जिसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं मिलता है। तो फ्रंट की बात करें, जिसके अंदर आपको 8MP का सेल्फी कैमरा देखने मिल जाएगा। तो अब फाइनली बात करते हैं इसके बैटरी की, जिसके अंदर 5000mAh का बैटरी देखने मिल जाएगा और साथ में 18W का चार्जर। तो कैसा लगा फोन और वीडियो, कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।